experience bolta hai bhai. So dear students, assalamu alaikum and welcome to my channel EHA assistance. Aaj main aapke sath discuss karne wali hu most important topics and questions jo ke physics grade 10 ke papers mein expected hai. Throughout the years, throughout the past 10 years, jo questions repeatedly aaye hain papers mein aur jo bahut zyada chances hain jin questions ke, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कौन से टॉपिक्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 10 है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, तो इसका मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ये आपका टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है ना वो भी आपका इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में आपको मार्क करवाए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल्स. अगर आपने से किसी ने वो स्किप कर दिए हैं लेक्चर, सो यू कैन व्यू देम. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, साथ ही साथ आई कार्ड में भी दे दूंगी. ठीक है, उसके अलावा स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. उसके बाद जो ये वेव मोशन है इसकी कुछ एक्टिविटीज हैं और जो डेफिनेशन है ना वो अक्सर आ जाती है. ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो टॉपिक है ना वो है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स. ठीक है, टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, डिपेंड करता है. और इसके अलावा जो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ है, इसकी जो डेरिवेशन है, इसके साथ साथ इसकी एग्जाम्पल और इसी की एग्जाम्पल के साथ इसका न्यूमेरिकल, ये पूरा जो एक कनेक्शन है ना ये पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जाहिर है आप जब इसका टॉपिक करेंगे तो आपने इसकी एग्जाम्पल लाजमी करनी है, एग्जाम्पल के साथ साथ आपने इसका एक्सरसाइज से क्वेश्चन और न्यूमेरिकल करना है. ठीक है, एक्सरसाइज पे आते हैं चैप्टर 1 की, दैट इज चैप्टर 10 फिजिक्स का. चैप्टर 10 पे अगर हम बात करें, ये जो हाईलाइटेड आपको दिख रहे हैं ना ये आपके मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए थे कि आपके जो जो क्वेश्चन और जो जो एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, रिव्यू क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो आपके इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस 2021 में वो आपके हैं. ठीक है, तो उन्हीं के हवाले से ये हाईलाइट मैंने किए हुए. अब जो देखें, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, और इसी के साथ ये जो 10.7 है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो जो न्यूमेरिकल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बना के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको उसमें गाइड कर दूंगी. ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, साउंड वेव्स वाला चैप्टर है. इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी ये सब आ जाते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, उसके बाद मैं स्क्रॉल थोड़ा जल्दी कर रही हूँ ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी बुक से वो मैं शो कर सकूं, इंस्टेड के मैं अलग से स्लाइड्स प्रिपेयर करती, इट वॉज बेटर कि मैं आपको बुक के थ्रू इसको शो करूं. ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के टॉपिक्स आपके इस बार एक्सक्लूडेड हैं, इंक्लूड नहीं किए गए. अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड का ना न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंक्लूडेड है, इंपॉर्टेंट है, उसकी एग्जाम्पल और उसका न्यूमेरिकल. ठीक है, उसके बाद आप आ जाए अगर नीचे तो ये वाले टॉपिक्स तो आपके हैं ही नहीं ना इंक्लूड. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ये जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है ना इसकी डेफिनेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है तो ये आप लाजमी कर लीजिएगा. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अब एक्सरसाइज की, तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव. ठीक है, एक ये क्वेश्चन. और जो अच्छा, इसके अलावा आप एक चीज हमेशा याद रखें कि जिन क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है ना वो क्वेश्चन एक तो इंपॉर्टेंस बहुत रखते हैं. ठीक है, पहली चीज वो इंपॉर्टेंट होते हैं, दूसरी चीज ये उनमें मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं, इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि उस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. अब अगर आप देखें ये 11.7 क्वेश्चन और 11.11 क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी है और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी एंड पिच की डिफरेंस है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों. और कुछ यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड ये जस्ट आप गो थ्रू कर लीजिएगा. अच्छा, न्यूमेरिकल्स आपके जो जो इंक्लूडेड हैं वो हाईलाइटेड हैं और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस भी दूंगी इसलिए इसमें मैं आपको नहीं ये बता रही. ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन के स्फेरिकल मिरर्स है. लेकिन इससे भी ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ना इस चैप्टर का वो आपका है साइन कन्वेंशंस. ठीक है,
और उसी से रिलेटेड आपकी एग्जाम्पल, ठीक है। ये दो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ जो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है इसकी, इसके जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं या इसके थ्योरम्स हैं, सॉरी जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। ये जो रिफ्रेक्शन थ्रू प्रिज्म है ना, ये और लेंसेज भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स हैं जो मैं आपको इस चैप्टर के बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आप इसकी डायरेक्टली एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इंक्लूडेड हैं और इंपॉर्टेंस रखते हैं ज्यादा, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सारे टॉपिक्स इस बार इंक्लूडेड नहीं है, ये जो स्क्रॉल डाउन हो रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब इस बार एक्सक्लूड कर दिए गए। इनमें से कोई भी टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है, अदरवाइज टेलीस्कोप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। ओके, अब MCQs जो इंक्लूडेड हैं वो ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं, उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। रिव्यू क्वेश्चंस, अब यहाँ रिव्यू क्वेश्चंस में देख लें, ये जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट और इसका पैसेज डिफाइन करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन है, ये लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल भी अक्सर आ जाता है, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप इसके न्यूमेरिकल्स देखें तो ऑलमोस्ट जस्ट दो तीन स्किप हुए हैं, बाकी सारे ही इंक्लूडेड है। इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। यूनिट नंबर 13 है अब हमारे पास, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस, ये जो ये वाला चैप्टर है ना, इसमें इंडक्शन और इसके साथ कूलम्स लॉ, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन्हीं टॉपिक्स के साथ साथ इनके न्यूमेरिकल्स, इनकी एग्जांपल्स, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। क्या दो चीजें, एक इंडक्शन और दूसरा है कूलम्स लॉ, ठीक है, ये दो चीजें हैं। उसके अलावा कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस, ये एक और टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से जो न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। उसके अलावा ये आप इसकी देख सकते हैं, इसके काफी सारी एग्जांपल्स गिवन है, और इसी तरह से इसके न्यूमेरिकल्स भी सारे इंक्लूडेड हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे टॉपिक स्किप्ड हैं इस बार। यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, यूजेस ऑफ कैपेसिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होपफुली ज्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। बाकी इसके सारे टॉपिक्स स्किप्ड हैं इस चैप्टर के। अब रिव्यू एक्सरसाइज में देख लें, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं जाहिर है उन्हीं से रेलेवेंट आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका कूलम्स लॉ आ जाता है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज आ जाता है और यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। होप सो ये तमाम क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे टिल यूनिट नंबर 13। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट 14 टू फर्दर यूनिट्स, और स्टे ट्यून्ड टिल देन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।